बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000 रुपीज। देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि 20,000 वाले लैपटॉप पे हम एकदम ही बेसिक से काम कर सकते हैं, गेमिंग या फिर प्रोफेशनली हैवी काम करने है ना, तो वो चीज इनके ऊपर पॉसिबल नहीं है। एंड 20,000 में हमें जो बढ़िया प्रोसेसर्स मिलते हैं वो है सेलेरॉन N4020, सेलेरॉन 4020, सेलेरॉन N5100 एंड पेंटियम N6000। ये सभी बढ़िया इस बजट के अंदर आप इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि इस बजट के अंदर आपने कौन से लैपटॉप बाय नहीं करने। तो सबसे पहला लैपटॉप है लिनोवो का लिनोवो V15 लैपटॉप। देखो एक चीज है कि ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है। आप में से जिसे भी 14 इंच के स्क्रीन साइज में एक बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए ना 20,000 के प्राइस पॉइंट पे, गो विद दिस ऑप्शन। आपके सारे बेसिक काम इस लैपटॉप के ऊपर हो सकते हैं। 21,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर दिया गया एंड एक्चुअली इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर इसके अंदर, 4 GB रैम मिल जाती है 2666 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल, साथ में 256 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंच के HD एंटीक्लियर डिस्प्ले लैपटॉप में 220 nits की इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है। देखो लैपटॉप का प्राइस कम होने का ना कोई रीजन जरूर होता है, जैसे इसके अंदर आपको विंडोज प्री इंस्टॉल नहीं मिलती, कहीं से तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करनी है ना। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना। ओके, नाउ दिस इज लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप। देखो बाकी सारे इस वीडियो के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाते हैं, बट ये क्रोमबुक है। आपके सारे बेसिक काम करने के लिए ये एक मशीन एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। 22,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, बट डिस्काउंट वगैरह ऐड करने के बाद ये क्रोमबुक आपको अंडर 20,000 के बजट में इजीली मिल जाती है। देखो सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, विच सिंपली मींस कि इसकी जो डिस्प्ले आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो। इंटेल का सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर दिया गया, सेम प्रोसेसर है, 4 GB रैम DDR4 2400 MHz वाली। देखो क्रोमबुक है तो रैम एक्सपेंशन ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलती, इसी के साथ ही 64 GB की eMMC स्टोरेज मिल जाएगी आपको लैपटॉप में। 14 इंच की फुल एचडी TN एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 220 nits की ब्राइटनेस के साथ। इंटेल के USD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको एंड क्रोमबुक है, इस वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। 6-7 घंटे तक आप इसे बिंदास होकर यूज कर सकते हो बिना किसी इशू के। एंड एक और चीज है, देखो कैरी करने के लिए ये क्रोमबुक एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स, तो आपने इसे जरूर कंसिडर करना। ओके, नाउ दिस इज इन्फिनिक्स इनबुक X1 Neo। देखो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 22,000 रुपीज, बट इसका जो लोएस्ट सेलिंग पॉइंट है वो 20,500 रुपए रह चुका है। इस पीरियड का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा आपको इस लैपटॉप के अंदर, मल्टीटास्किंग बहुत ही आराम से हैंडल कर लेता है ये। थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला लैपटॉप है, 1200 ग्राम इसका वेट है। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया इसके अंदर, आपको इस पीरियड के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर ना बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलेगा, तो पूरी तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाइड करता है लैपटॉप। मेटालिक बॉडी वाला लैपटॉप है, तो ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर आपको एकदम ही नेक्स्ट लेवल मिल जाएगी। बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में आपको ड्यूरेबिलिटी सच्ची में काफी बढ़िया मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इंटेल का सेलेरॉन क्वाड कोर प्रोसेसर है N5100, 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो 5100 की जो परफॉर्मेंस है ना वो 4020 से बेटर है। दोनों के स्कोर्स आपके सामने आप अच्छे से चेक करके देख सकते हो। 4 GB की रैम मिल जाती है DDR4 2933 MHz वाली विच इज नॉट एक्सपेंडेबल एंड लैपटॉप के साथ में आपको 128 GB की SSD मिल जाती है। 14 इंच की फुल एचडी IPS एंटीक्लियर डिस्प्ले लैपटॉप में 100% sRGB 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया एंड इसकी डिस्प्ले इतनी बढ़िया है कि इसके अंदर आपको 72% NTSC मिल जाती है 300 nits की ब्राइटनेस के साथ। तो डिस्प्ले के सिनेरियो में भी ये लैपटॉप टोटली अनबीटेबल है। इंटेल के USD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है एंड ये लिस्ट का सबसे लाइट वेट लैपटॉप भी है, 1200 ग्राम वेट है इसका। थिन एंड लाइट लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, टाइप सी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है आपको इस लैपटॉप के अंदर। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 90 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो सारे मेजर फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं, बट ये लैपटॉप आप सभी के लिए सिर्फ एक कंडीशन पे रेकमेंडेड है कि अगर आपके आसपास ना सर्विस सेंटर है इसका, अदरवाइज इसकी आफ्टर सेल सर्विस में आपको थोड़ी बहुत इश्यूज मिल सकते हैं देखने के लिए, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, अदरवाइज ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। नाउ दिस इज असूस योबुक E14 लैपटॉप। बहुत ही बढ़िया एंड कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है, इंटेल का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस पीरियड के अंदर, बट ये लैपटॉप उनके लिए जो अपने बजट को ना थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। देखो करंटली इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 26,000 रुपए, बट ऐसा नहीं है कि 26,000 में आपको मिलेगा, ये लैपटॉप इजीली आपको 23,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। कोई भी आप कार्ड डिस्काउंट ऑफर ऐड करोगे ना इजीली आपको ये लैपटॉप इतने प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। फिर 180 डिग्री की हिंज आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाती है। पेंटियम सिल्वर N6000 प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो इसी पीरियड के जितने भी आपको प्रोसेसर मार्केट में मिल जाते हैं ना उन सभी के साथ इसका कंपैरिजन स्कोर आपके सामने है। N4020 हो गया, N4500 हो गया, N5100 हो गया, 3050U हो
गया, इन सब के कंपैरिजन में N6000 की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है। 4GB की रैम मिल जाती है DDR4 2933 MHz वाली, जिसे बाकी सभी लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं थी, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। अप टू 8GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 256GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। देखो अगर हम 20,000 से 1-2,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो टोटली पैसे अपने जस्टिफाइड है, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बन जाता है अगर इसकी रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। तो 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ही 45% NTSC है। इंटेल के USD ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको लैपटॉप में। न्यू MS ऑफिस आपको 365 इंस्टॉल मिल जाएगा, लेकिन वो एक महीने के ट्रायल बेसिस पे दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप है एंड सिर्फ 1300 ग्राम इसका वेट है। इनोवेटिव नंबर पैड दिया गया लैपटॉप में, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। आप सभी के लिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। अगला लैपटॉप है एसर का एसर एस्पायर 3 लैपटॉप, बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबल लैपटॉप है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपने ऑफिस गोइंग के लिए लैपटॉप नया बाय करना है ना, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। क्वाड कोर प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, मल्टीटास्किंग एकदम ही बढ़िया से हो जाती है। विंडोज 11 आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लैपटॉप में, बट एक चीज है, देखो ये जो लैपटॉप है वो अगर आप 22,000 से 23,000 के प्राइस पॉइंट पे बाय करते हो ना, तो वो इसकी एक्चुअल में सही डील है। कभी कभी इसका प्राइस 29,000 तक चला जाता, वो फिर टोटली ओवर प्राइस लैपटॉप है। उस बजट के अंदर ना आपको काफी ज्यादा बढ़िया लैपटॉप मिल जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है लैपटॉप को बाय करने से पहले। इंटेल पेंटियम सिल्वर N6000 प्रोसेसर दिया गया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बजट के बाकी सभी प्रोसेसर के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट प्रोसेसर यही वाला है। 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स, 4GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, 256GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंच की HDTFT LCD डिस्प्ले मिल जाती है आपको लैपटॉप में। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको एंड 1400 ग्राम इसका वेट है। तो ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना है। एक और चीज है, देखो इसी सेम लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, एसर एस्पायर 3 लैपटॉप। दोनों ही लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है कि इसके अंदर आपको 8GB की रैम मिल जाती है, फिर वहीं इसका जो प्राइस है वो अराउंड 25,000 के करीब चला जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, ओके। एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, तो उन्हें आपने वहां से जरूर चेक करना है। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई है, तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।